जसपुर में दिखाई दिया गिद्धों का बड़ा झुंड। आसमान का बादशाह कहे जाते हैं गिद्ध। विलुप्ति की कगार पर खड़ा है ये पर्यावरण मित्र। तुमड़िया डैम पर गिद्धों का बड़ा झुंड दिखने से पर्यावरण प्रेमियों ने जताई खुशी। जी हां, जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर रेंज में तुमड़िया डैम क्षेत्र में इन दिनों गिद्धों का एक विशाल झुंड दिखाई दे रहा है। इस विशाल पक्षी की कई प्रजातियां 90 के दशक में भारत उत्तराखंड के साथ साथ तराई पश्चिम वन प्रभाग में बहुतायत में नजर आती थी, जिसमें प्रमुख इजिप्शियन गिद्ध हैं, जिनकी संख्या 1970 से पूर्व भारत में 50,000 से अधिक थी, जो अब घटकर भारत में 5,000 व उत्तराखंड में 1,000 से भी कम रह गई है। लेकिन वर्षों से जिसकी बादशाहत आसमान पर कायम थी, आज वह आसमान का बादशाह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। वहीं पर्यावरण प्रेमियों ने गिद्धों की घटती संख्या को लेकर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि अगर ये पर्यावरण का सफाई कर्मी विलुप्ति की कगार पर पहुंच गया तो इससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचेगा। पर अब तुमड़िया डैम पर गिद्धों के बड़े झुंड को देख पर्यावरण प्रेमियों ने खुशी जाहिर की है। देखिए जसपुर से संवाददाता दीपक चौहान की खास रिपोर्ट। गिद्ध हैं वास्तव में प्रकृति के सफाई कर्मी उनको कहा जाता है। उनकी वजह से ही हम लोग एक साफ सुथरे एनवायरनमेंट में सांस ले पाते हैं। और पिछले दो दशकों से इनकी संख्या बहुत तेज़ी से कम हुई थी, जिसका मुख्य कारण डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन एक होता था, जो कि जानवरों को लगाया जाता है, दुधारू जानवरों को। उन जानवरों को वो इंजेक्शन लगने से जब उनकी मृत्यु होती थी, तो उसके बाद में वो जब उनको जंगल में या आसपास फेंका जाता था तो उसको गिद्ध ही उसको खा के साफ करते थे। लेकिन जब वो, क्योंकि वो दवाई ऐसी है कि उसका अंश जो है मृत जानवर के अंदर रहता था, तो वो उस दवाई के इन्फेक्शन से या उनकी किडनी में, उस लीवर में उसका असर पड़ता था, और उस लीवर की में वो दवाई क्योंकि उसको नुकसान करती थी, इसलिए उनकी गिद्धों की मृत्यु हो जाती थी धीरे धीरे। तो ये जो बड़ा कारण है गिद्धों के कम होने का, वो मेनली कॉज उसका वही है कि डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन, जो कि सरकार द्वारा कालांतर में उसको जो है उस पर उसकी बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसकी वजह से आज ये स्थिति है कि हमारे आसपास हम लोग जो है गिद्धों को पुनः देख पा रहे हैं, उनकी संख्या पुनः बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त जो है गिद्ध संरक्षण के कई सारे प्रोग्राम सरकार द्वारा चलाए गए हैं, जिसमें एक हरियाणा में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है गिद्धों के संरक्षण के लिए, तो उसकी इन सारे प्रयासों के फलस्वरूप गिद्धों की संख्या पुनः बढ़ रही है, क्योंकि एक बार लगभग 99% गिद्ध खत्म हो गए थे यहाँ से, तो अब वो पुनः दिखाई पड़ने लगे, जिसमें से आपने अभी जसपुर की बात की, जहाँ पे आपको 500-600 गिद्ध जो है एक साथ एक झुंड में दिखे। तो केवल जसपुर की बात नहीं है, हमारे और रेंजों में जैसे कि आमपोखरा रेंज है, बैलपड़ा रेंज है, और उत्तरी जसपुर रेंज में भी काफ़ी इनके बड़े बड़े झुंड दिखाई पड़ते हैं, और ये अपना वहाँ पर घोंसला बना करके और अंडे और बच्चे देने का काम कर रहे हैं। इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। मुख्यतः जो इंडिया में, तो भारत में हमारे बहुत सारी प्रजातियां मिलती हैं, जिसमें हिमालयन ग्रिफिन है, इंडियन वल्चर है, और उसके अलावा लेकिन हमारे इस क्षेत्र में मेनली हमारे इस आसपास के क्षेत्र में जो इंडियन ग्रिफिन वल्चर मिलता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है।